हेलो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए, लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 अपान में एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर हमारा वैल्यू रखना होगा एफ एक्स नॉट का। इसी तरह से अगला हमारा सेकेंड स्टेप होगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर डॉट 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 अपान में एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट 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 एफ एक्स वन। अब इसी तरह से अगला हमारा स्टेप होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री और डॉट 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 डॉट। अब यहाँ ध्यान ये देना है, यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे क्या है एक्स वन है, अब यहाँ पे एक्स टू आएगा, तो यहाँ पे एक्स टू वाला एक्स माइनस एक्स थ्री जो टर्म है इसे आप क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तब आपके पास कितना बचेगा पूरे के अपान में एक्स एक्स वन सॉरी एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स थ्री और डट डट डट। और यहाँ पे जो आपका वैल्यू रख पुट करेंगे एफ एक्स थ्री का, एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स टू हो जाएगा एक्स टू का और प्लस डट डट डट। इसी तरह से ये टर्म हमारा क्या बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया रहेगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर की वैल्यू दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि एफ एक्स बराबर कितना होगा, तब यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधे हम लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, देखेंगे दिस इज लैंग्वेज फार्मूला प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म जब पूछेंगे प्लस, जब एक्स एन लास्ट जिसे भी एक्स एन टर्म तक कंसीडर करेंगे तो एन टर्म होगा एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन पूरे कपान में आ जाइए एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन ये डॉट डॉट आगे चला जाएगा। तो यही हमारा क्या है लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला कहलाता है। आप देखिए क्या लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या है क्वेश्चन आपका बनना एक निश्चित है। इसी तरह से क्या है इसका एक क्वेश्चन हम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स आर गिवेन एज बिलो, कह रहा है क्या आप वाई का वैल्यू बताइए जो कि एक्स का मान जो है नीचे क्या हमारा दिया हुआ है। एक्स बराबर देखिए, एक्स बराबर क्या पाँच है, एक्स बराबर छः है, एक्स बराबर क्या नाइन है, एक्स बराबर क्या नौ है। इसका मतलब है जब हम आर्गुमेंट को कंसीडर करते हैं सबसे पहले जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसे एक्स नॉट कंसीडर करते हैं, फिर एक्स वन होता है एक्स टू एक्स थ्री। इसी तरह से क्या है जब एक्स नॉट होगा तो एफ एक्स नॉट कितना हो जाएगा बारह, एफ एक्स वन कितना हो जाएगा तेरह, एफ एक्स टू कितना हो जाएगा चौदह, एफ एक्स थ्री कितना हो जाएगा सोलह। ये वैल्यू आपको दिया गया है, पूछ क्या रहा है कर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मान और एक्स का मान ये नीचे दिया गया है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर जीरो। आपको देखिए वाई के वैल्यू पूछ रहा है जब क्या है एक्स बराबर क्या पुट करेंगे जीरो। अब ध्यान दीजिए फार्मूला हमारा तो लैंग्वेज का यही है। अब इसमें एक्स नॉट बराबर क्या है सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एक्स नॉट निकालने के सोल्यूशन लिखेंगे टेकिंग एक्स नॉट बराबर पाँच। अभी आपको बताए थे कि एक्स नॉट बराबर क्या है पाँच हो जाएगा, फिर जो अगला जो टर्म होगा एक्स वन बराबर हो जाएगा, फिर एक्स टू एक्स थ्री और जितने भी रहेंगे इसी तरह से कि आप कंसीडर करते चले जाएंगे। तो एक्स नॉट बराबर पाँच हो गया। अब देखिए एक्स वन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वन बराबर सिक्स और एक्स टू इजकल टू नाइन हो जाएंगे और एक्स थ्री इजकल टू कितना हो जाएगा अलेवन। देखिए लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूले में ये जब आपको वैल्यू मिल जाएंगे यही मान ला के यहाँ पे पुट कर देंगे वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ देखना यह है कि ये एक्स नॉट हो गया, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया। अब इसी के ऑर्डर हम देखते हैं
एफ एक्स नॉट के पोजीशन पे कितना, जब एक्स नॉट कितना 5 था तब वाई जो वाई बराबर एफ एक्स, यहाँ पर आप दिखाएंगे एफ एक्स और ये किसके बराबर है y के हैं, इस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x नॉट है, x नॉट के y की वैल्यू कितना जाएगा 12, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए x1 बराबर 6 मतलब कि ये 6 है, तो f x1 कितना हो जाएगा, f x1 बराबर कितना हो जाएगा 13 है, तो लिखिए 13 हो गया इतना। अब इसी तरह से क्या है f x x2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स टू बराबर 9 है तो एफ एक्स टू के सामने क्या 14 है, तो एफ एक्स टू कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से एफ एक्स थ्री बराबर कितना है 11 है, हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको मिला क्या क्या, एक्स नॉट अपटेन हो गया, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया और एक्स थ्री हो गया, इसके क्या है करेस्पॉन्डिंग हमारे जो वैल्यू आए हैं वाई के क्या है 12 है, 13 है, 14 है और हमारा 16 है। ये सारे वैल्यू ले जाके इस लैंग्रेज इंटरपोलेशन फॉर्म में पुट कर देंगे तब आपका y का मान आएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त आपको दे रहा है कि जब x बराबर क्या होगा 10 होगा तब y का मान आप बताएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि लैंग्रेज इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पे आप कैसे पुट करेंगे। नीचे से लिखेंगे बाई यूजिंग या लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं एफ एक्स बराबर वाई और बराबर आ जाइए कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री। देखिए तीन टर्म तक है, एक्स थ्री तक है, केवल एक्स थ्री तक है फार्मूला लिखेंगे। यदि आगे तक रहता तो ये फार्मूला में एक्स माइनस एक्स फोर कर देते, एक्स माइनस एक्स फाइव कर देते, एक्स माइनस एक्स सिक्स कर देते। जितने आर्ग्यूमेंट तक आपको दिए रहेगा उतने केवल क्या है ये फार्मूले का एक्सपेंशन करना है। अब पूरे का पान कितना हो जाएगा, देखिए पहला हमारा एक्स नॉट है इसलिए एक्स नॉट में सबको माइनस करें, एक्स नॉट माइनस एक्स वन हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा y की वैल्यू होगा f x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसी तरह से फार्मूला आप याद कर लीजिए और इसी फार्मूले में सारे मान को क्या करेंगे पुट करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा प्लस x माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट सॉरी x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, फिर x माइनस एक्स टू हो जाएगा क्योंकि x नॉट या एक्स वन को लेंगे जैसे ऊपर x नीचे हम x नॉट के में सबको सब्ट्रैक्ट किए हैं, ऊपर हमारा कोई भी x नॉट नहीं है। अब जब हम क्या है x वन को लेंगे तो नीचे x वन लेंगे तो ऊपर x वन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इस तरह से क्या x माइनस x नॉट x माइनस x टू x माइनस x थ्री और पूरे का पान जी पूरे का पान x वन माइनस x नॉट एक्स वन माइनस एक्स वन नहीं करेंगे एक्स टू हो जाएगा, फिर इसी चूँकि एक्स वन माइनस एक्स वन का दे जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा, तो एक्स वन माइनस एक्स थ्री यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ एक्स वन हो गया। इसी तरह से क्या है हमारा जो थर्ड स्टेप क्या है एफ एक्स थ्री तक आपको ले जाना है फार्मूला प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री पूरे का पान आ जाइए, पूरे का पान क्या आ जाएंगे एक्स एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स टू माइनस एक्स थ्री और एफ एक्स टू हो गया। अब एक फार्मूला और इसका टर्म लेना है आपको एफ एक्स थ्री का, फिर प्लस कितना आ जाएगा प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू पूरे का पाना जी एक्स माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स टू एफ एक्स थ्री। देखिए फार्मूला याद करने के बहुत सिंपल सा मेथड है कि एक बार इसे अच्छी तरह से आप क्या समझ लेंगे आपको याद हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे ऊपर टोटल देखिए जितने भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेंगे सबको क्या यक्स में क्या कर माइनस करना होगा। बस ये ध्यान देना है जो जिसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे वाई की वैल्यू लेंगे वही टर्म केवल ऊपर में क्या है एक्स में माइनस नहीं होगा। अब नीचे में हमारा जो डिनोमिनेटर में है मतलब जो हर में है वो जो हमारा जिसके करस्पॉन्डिंग है वैल्यू वाई का उसी में क्या है सारे मान के क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बस ये ध्यान देना है जैसे एक्स नाट है एक्स नाट में एक्स नाट माइनस नहीं करेंगे। एक्स नाट के अलावा जितने भी क्या है आर्ग्यूमेंट रहेंगे सबको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसी तरह से क्या है यहाँ पे हम देखिए एक्स नाट है या फिर एक्स नाट तो एक्स नाट को हम क्या है डिनोमिनेटर में सब में देखिए एक्स नाट में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबको क्या करेंगे माइनस किए हैं लेकिन न्यूमरेटर में नहीं है। या देखिए एक्स में एक्स वन किए हैं एक्स नाट को नहीं किए हैं एक्स वन चूँकि एक्स नाट हमारा नीचे यही हमारा क्या है लैंग्रेज इंटरपोलेशन है। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स टू देखिए यहाँ पे एक्स वन क्या है एक्स वन भी सब में माइनस कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तभी एक्स वन हमारा न्यूमरेटर में माइनस नहीं होता है। देखिए x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू आ गया x माइनस एक्स वन यहाँ बीच में होना चाहिए ना लेकिन वो नहीं रहेगा यही हमारा लैंग्रेज इंटरपोलेशन है। और क्या या फिर एक्स वन हो गया प्लस इसी तरह से के जब या फिर एक्स टू की बात करेंगे एक्स टू में सब सारे कर क्या करेंगे आर्ग्यूमेंट को माइनस कर देंगे और न्यूमरेटर में एक्स टू में हम एक्स टू की क्या करें माइनस नहीं करें वही से टर्म को क्या करें नेग्लेक्ट कर देंगे बाकी सभी टर्म को क्या करें एग्जिस्ट कराएंगे। तो इस तरह से यह हमारा लैंग्रेज इंटरपोलेशन फार्मूला कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम दिया है प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एक्स नॉट जो पहला जो वैल्यू एक्स का दिया रहा है वही हमारा इनिशियल वैल्यू होता है एक्स का उसे हम कहते हैं एक्स नॉट कर देंगे फिर एक्स वन हो जाएगा फिर ये हमारा एक्स टू हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा एक्स थ्री हो गया। अब ये देखिए जब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपको ऑपरेंड हो गए उसी के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे वाई की वैल्यू कितना है जैसे फाइव एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितना है 12 है एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितना 13 है एक्स टू के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितना है 14 है और एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है हमारा 16 है। अब जब लैंग्रेज इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे तो वहाँ इस बात का हम ध्यान देंगे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स नॉट बराबर 12 एफ एक्स वन बराबर 13 एफ एक्स टू बराबर 14 एफ एक्स थ्री इजक्वल टू 16 नहीं 11 है 11 नहीं यहाँ पे रहेगा 16 दिया गया है तो इसे 11 ना बनाइए इसे 6 कर दीजिए 16 हो गया। अब देखिए ये फार्मूला लिखे बाय यूजिंग लैंग्रेज इंटरपोलेशन फार्मूला फार अनइक्वल इंटरवल देखिए जो इसका इंटरवल है बिल्कुल सेम नहीं है एक्स देखिए 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है 6 माइनस 5 इजकल टू 1 होता है 9 माइनस 6 इजकल टू 3 हो जाएगा 11 माइनस 9 इजकल टू 2 हो जाएगा बिल्कुल अनइक्वल के लिए हमारा यह लैंग्रेज इंटरपोलेशन फार्मूला है आपका। तो इस तरह से क्या है तो y इजकल टू x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री अपान एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री डॉट एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री अपान एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री एफ एक्स वन प्लस डॉट 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 इसी तरह से ये फार्मूला लिख लेंगे। लिखने के बाद सारे वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे नीचे से लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन लिखेंगे ऑन दिस इक्वेशन इक्वेशन कोई नहीं दिए तो इक्वेशन नाम ना दीजिए या इक्वेशन दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे पुट कर रहे हैं। देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में ये सारे वैल्यू जाके पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट ये है किसकी वैल्यू कौन सा वैल्यू पुट करना है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई इज्कल टू ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कह रहा है क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक्स बराबर 10 ये आपको रखना है। तो आइए देखते हैं एक्स के साथ पे 10 पुट करेंगे 10 माइनस एक्स वन देखिए 10 माइनस एक्स वन कहाँ है एक्स वन इज्कल 6 10 माइनस 6 हो गया
और इस ब्रैकेट में आइए, x माइनस एक्स टू, एक्स कितना है 10, देखेंगे 10 माइनस एक्स टू, एक्स टू इजकल टू 9, माइनस 9 हो गया। इसी तरह से क्या है, x माइनस एक्स थ्री, एक्स एक्स थ्री इजकल टू 11 है, 10 माइनस 11, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, पूरे का पान आ जाइए। पूरे का पान कितना है, एक्स नॉट, देखिए एक्स नॉट कितना 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस, एक्स वन कितना है, एक्स वन 6, 5 माइनस 6, इस ब्रैकेट में आ जाइए। एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट माइनस एक्स टू है, एक्स नॉट 5, एक्स टू कितना 9, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, और तीसरे ब्रैकेट में आ जाइए, 5 माइनस 11, 5 माइनस 11। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, एफ एक्स नॉट दे रहा है, तो एफ एक्स नॉट बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस आ जाइए। अब इसी तरह से क्या है, एक्स है, एक्स के स्थान पे 10 लिखेंगे, 10 माइनस एक्स नॉट कितना है 5, 5, फिर 10 माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स टू कितना है 9, माइनस 9, और तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस 11, 10 माइनस 11, क्यों 11 कर दिए, ध्यान दीजिए, एक्स थ्री है, एक्स थ्री के स्थान पे क्या रखेंगे 11 रखेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 10 माइनस 11 हो जाएगा। अब पूरे एक बटे में आ जाइए, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ध्यान दीजिए एक्स वन कितना है, एक्स वन कितना है हमारा 6, लेकिन 6 माइनस एक्स नॉट कितना है 5, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू कितना है, एक्स टू 9 है, तो लिखिए 9, और क्या 6 माइनस 11 हो जाएगा। और डॉट कितने का होगा, एफ एक्स वन का, एफ एक्स वन इजकल टू 13 है, इंटू 13, फिर प्लस आ जाइए प्लस। अब यहाँ पे दिया है एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, देखिए एक्स टू इसमें से क्या है विलुप्त है, तो इस तरह से हम एक्स टू के वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो एक्स कितना है हमारा, एक्स 10 माइनस 5, और ये 10 माइनस 6, क्यों 6 है, एक्स टू, एक्स थ्री इजकल टू 6 नहीं 9 है, तो नहीं एक्स वन है ना, सही तो है, तो फिर क्या हो जाए 10 माइनस 11, पूरे का पान आ जाइए, पूरे का पान, पूरे का पान क्या दे रहा है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, देखिए एक्स टू कितना है, एक्स टू इजकल टू क्या 9, 9 में सबको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 9 माइनस 9, 9 माइनस एक्स नॉट क्या है 5 है, 5 हो गया, फिर 9 माइनस 9 माइनस एक्स वन कितना है 6, 6 हो गया, फिर 9 माइनस एक्स थ्री कितना है 11 है, इंटू आ जाइए एफ एक्स टू। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स टू बराबर कितना है 14 है, तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर देंगे 14, 14 हो गया, फिर देखिए प्लस प्लस, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स हमारा कितना है 10 माइनस एक्स नॉट कितना है 5, 5 हो गया, और क्या कह रहा है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की पोजिशन कितना 6 है, तो कितना जाए 10 माइनस 6, और क्या जाए 10 माइनस 10 माइनस 9, पूरे का पाना जी। अब क्या है एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, एक्स थ्री कितना है आपका, एक्स थ्री 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, और 11 माइनस और 9। अब यहाँ पुट करना है किसकी वैल्यू, एफ एक्स थ्री, अब एफ एक्स थ्री इजकल टू कितना है, एफ एक्स थ्री इजकल टू 16 है, तो इस तरह से एफ एक्स थ्री का स्थान पर 16 रख देंगे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सारे वैल्यू हम इस इक्वेशन में ले जाके हमने पुट कर दिए, अब आपको करना है सब के क्या माइनस करके इसका मान देखेंगे कितना आ रहा है, आइए देखते हैं इसका मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन था हमने इसे इरेज कर दिया, हमारा सॉल्यूशन यही है, आप लोग समझ रहे हैं कि बीच में क्वेश्चन था हमने इसे इरेज कर दिए हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू, वाई इजकल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट कितना है 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, थर्ड ब्रैकेट 10 माइनस 11 माइनस 1, पूरे के बट्टे में आ जाइए, 5 माइनस 6 माइनस 1, इस ब्रैकेट 5 माइनस 9 माइनस 4,
और इस ब्रैकेट में कितना, 5 माइनस 11 कितना जाए -6, और इंटू किससे करना है 12 से, फिर प्लस आ जाइए प्लस, जब घटा देंगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा रूप हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, सेकेंड ब्रैकेट में 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 1, -1 और पूरे का पान आ जाइए, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, और 6 माइनस 9 3, -3, और 6 माइनस 11 -5, और इसमें मल्टीप्लाई किसे करना है, 13 से करना है, यहाँ पर लिखेंगे 13, फिर प्लस आ जाइए, फिर 10 माइनस 5 5, इसमें 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 11 -1, पूरे के बट्टे आ जाइए, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 11, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, 11 माइनस 2, और इनटू किससे करेंगे 14 से। अब एक टर्म और बच रहा है, प्लस प्लस 10 माइनस 5 5, फिर बचा 10 माइनस 6 10 माइनस 6, कितना हो जाएगा 4, 10 माइनस 9 1, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, और 11 माइनस 6 5, और 11 माइनस 9 2, और इनटू कितना हो जाएगा 16। हमने इसका मल्टीप्लाई सबका कर दिए, और करने की बात क्या है, सॉरी इसमें सब हमने घटा के और इस ब्रैकेट हमने नोट कर दिए हैं। अब देखना यह है कि सब का आपस में गुणा कीजिए, और जो कैंसिल उसे कैंसिल करें तो कितना आप, आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे जो उसका कोएफिशिएंट होगा उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये देखना है, 4 × 1 दिया है, 4 × 1 = 4, -1 के मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, -4, और पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, माइनस का करेंगे माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणा माइनस करें माइनस हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 24, और इंटू कितना हो जाएगा 12 हो गया, फिर प्लस आ जाइए। अब क्या दिया है, 5 1 में करेंगे 5 × 1 = 5, और 5 − -1 करेंगे -5, पूरे के बट्टे 3 × 1 करें -3, और माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और गुणते कितना हो जाएगा 13, फिर प्लस आ जाइए। देखिए 5 का गुणा करेंगे 5 × 20, माइनस करेंगे -20 हो जाएगा, पूरे एक बटिया जाए 4 × 3 = 12 12 × 2 = 24, कितना जाए -24 हो जाएगा, और गुणित आ जाइए कितना 14 है, 14 ले लीजिए, प्लस देखिए इसमें करना है 5 × 4 5 × 20 हो जाएगा, 20 × 1 = 20 होता है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, और 30 × 2 कितना जाएगा 60, और गुणते कितना जाएगा 16। इस तरह से क्या सारे का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिए, अब आपको केवल करना है इसमें क्रॉस, आप जैसे क्या 12 × 2 कितना हो गया 24, कितना और ध्यान दीजिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बचे केवल 2 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाइए प्लस। इसी तरह से क्या है 5 से कैसे कैंसिल करेंगे, 5 × 3 कितना जाएगा 15 हो जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा जो प्लस है प्लस नहीं रह जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 13/3 हो जाएगा, 13/3 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस किसमें गुणा करेंगे, तो ये चिन्ह हमारा क्या माइनस हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिए 5 से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस दोनों होता है, इसे प्लस कर दीजिए। आप देखिए 5 से कैंसिल करें 5 × 4 = 20 हो जाएगा, नहीं नहीं 5 से नहीं कैंसिल होने वाला है, ये होगा 4 से हो जाएगा, 4 × 5 = 20, मतलब कि 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 6 = 24, इस तरह से कितना हो गया प्लस 5 × 14 और बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब देखना यह है प्लस प्लस
एक जीरो से जीरो कट गया, दो तेई छः, मतलब कि 16/3 हो गया। आइए नीचे की जो टर्म जो लाइन है उसे हम इरेज करते हैं, तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि ये कैंसिल होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमने कुछ टर्म के यहाँ कैंसिल कर दिए, तो कितना बचेगा, 2 -13/3 और प्लस 5 5 × 7/3 हो जाएगा और प्लस 16/3। अब यह ध्यान ये देना है सबका एलसीएम हमारा कितना, 3 है, एलसीएम ले लीजिए 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13 - 5 = 35 35 और ये कितना हो जाएगा आपका, -16 पूरे के 3, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, हो गया क्लोज। अब इसे आपको सॉल्यूशन कर लेना है, 2 माइनस आप इसे 13 देखेंगे ब्रैकेट में, 13 माइनस इसे 8 × 6 = 11 एक हो जाएगा, 3 × 1 = 4 कितना हो जाएगा, 5 और पूरे के 3 कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन है। अब करना क्या है, 51 में 13 को माइनस कीजिए और 3 से डिवाइड करें। अब देखिए यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2 - 13 देखिए 51 में 13 को माइनस करेंगे, 11 में से देखिए एक करी से हासिल देगा तो 11 हो जाएगा, 11 3 कम कर माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे और ये 4 में से क्या, 3, लेकिन ये माइनस था तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 2 + 38/3 हो गया। अब 38 में क्या है, 3 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, बराबर 2 प्लस करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18 इतना आपका आ जाएगा। अब आपका रिजल्ट जो कितना हो जाएगा, रिजल्ट में जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या 12 और 2 कितना जाएगा, 14 14.66 ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, आज के इस वीडियो में हमने क्या है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के क्या है उसके न्यूमेरिकल को आपको दिखाएं और इसके साथ साथ ये क्या है एक क्वेश्चन आपको बताएं, इसी मेथड पे सारे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का आप सॉल्यूशन करेंगे। आपको एग्जाम में क्या होगा, एक्स की क्या है वैल्यू दिए रहेंगे, जो अनइक्वल होंगे ये मत ध्यान दीजिए, इक्वल कंडीशन लगाएंगे तब वहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फार अनइक्वल के जो भी हम फार्मूले लिखे थे उसी फार्मूले की यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो जो आपका आर्ग्यूमेंट दिए रहे उसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या है वाई की वैल्यू लेंगे और वही वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे क्या 12 है, 13 है, 14 है और हमारा 16 है। तो इस तरह से क्या हुआ, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला का जो हमारा आज का टॉपिक था, यह टॉपिक क्या होता है, कम्प्लीट होता है।